जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां रेलवे के एक अधिकारी को ट्रैप किया गया। 40,000 रुपए की घूस लेते हुए ट्रैप किया गया है इस रेलवे अधिकारी को। डीआईजी रणधीर सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। एसीबी को बड़ी कामयाबी मिली, जहां अब रेलवे के एक अधिकारी को गिरफ्त में लिया गया है। पूछताछ उससे की जा रही है। 40,000 रुपए की घूस लेते हुए रेलवे अधिकारी को गिरफ्त में लिया गया है। डीआईजी रणधीर सिंह के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लगातार एसीबी का शिकंजा कस रही है एसीबी घुसखोरों पर। इसी कड़ी में अब रेलवे अधिकारी को ट्रैप किया गया। 40,000 रुपए की घूस लेते हुए इसे रंगे हाथों गिरफ्त में लिया गया है। डीआईजी रणधीर सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल इसे पूछताछ जारी है, ताकि और भी अहम खुलासे हो सके कि आखिर किस एवज में इसने घूस की डिमांड की थी, कितनी रकम इसने डिमांड की थी। क्योंकि कई बार देखा है कि दो किस्तों में, तीन किस्तों में पैसे लिए जाते हैं, और ऐसे में क्या 40,000 रुपए की ही घूस इस रेलवे अधिकारी ने ली थी और ये पैसा लेते हुए इसे रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्त में लिया, या पहले भी ये कोई किस्त ले चुका है? क्या ये अकेला शामिल है या इस घूसखोरी में और भी इसके साथी हैं? सीधे रुख करते हैं सहयोगी नवीन का। नवीन, बेहद अहम कार्रवाई को एसीबी ने अंजाम दिया। रेलवे अधिकारी तो गिरफ्त में आया, लेकिन किस एवज में इसने घूस की डिमांड की थी? अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया? देखिए, वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो रेलवे का चीफ इंस्पेक्टर है उसको एसीबी ने गिरफ्तार किया है, और चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर है जिसका नाम विकास है उसको एसीबी ने गिरफ्तार किया है। बिल पास करने के एवज में ये पूरी घूस की डिमांड की गई थी, तो एसीबी ने इसका गोपनीय वेरिफिकेशन करवाया, और वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कुछ ही देर में एसीबी की टीम है जो आरोपियों को पकड़कर एसीबी के मुख्यालय लेकर आ रही है। साथ ही आपको बता दूं कि ये पूरी कार्रवाई एसीबी की टीम ने जयपुर जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हमारे साथ जो परिवादी है, इस जिन्होंने इस पूरे कार्रवाई को करवाया, हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि सर आपके कितने के बिल थे और क्या बोल रहे थे आपको बिल पास कराने के लिए? हेलो, हाँ जी, पता किस तरह के? ये वाटरिंग हैंडलिंग क्लीनिंग के बिल थे, साफ सफाई के। ये वाटरिंग हैंडलिंग के बिल थे 2019 के, 6,00,000 रुपए कोटेशन के बिल थे 20-20 दिन के, और ये चक्कर खुला रहे थे 2019 से। बीच में कोरोना हो गया, हम भी चुपचाप हो गए। पहले आपसे ये जो विकास को पकड़ा है, आपसे कितने रुपए पहले ले चुका है? हाँ, विकास से पहले लखन मीना था वहाँ सिंचाई बांदीकुई में, तो इसने पहले हमसे रुपये की मांग ही नहीं करी, डरता डरता पेटीएम में रुपये गिरवाए। इसने 15,000 रुपये एक पेटीएम में गिरवाए बांदीकुई दुकानदार के पास में, और 10,000 रुपये मेरे लड़के ने मुन्ना उर्फ शाहरुख है उसने 10,000 रुपये गिरे इसके पेटीएम में, किसके? श्रीराम मीणा के यहाँ। तो ये आपस में लेन देन नहीं करते, हमारे मोबाइल चेक करते, सामने बैठते तो हमारे मोबाइल रख लेते बंद करके। फिलहाल जो एसीबी की टीम है जो आरोपियों को पकड़कर कुछ ही देर में एसीबी मुख्यालय लेके आएगी और उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद इसके अंदर और भी कई लोगों की भूमिका है, वो संदिग्ध है। इस पूरे मामले की जांच एसीबी के जो एडिशनल एसपी बजरंग शेखावत, सीआई रघुवीर शरण और उन्हीं के साथ है, जो एसीबी के जो डिप्टी एसपी सचिन शर्मा वो भी इस पूरी टीम के अंदर शामिल है। ये पूरी कार्रवाई एसीबी के जो डीआईजी हैं रणधीर सिंह और आईजी सवाई सिंह गोदारा और एडीजी हेमंत प्रियदर्शी, उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और मुश्किल से एक से दो मिनट के अंदर एसीबी की टीम है जो आरोपियों को पकड़कर लेकर आएगी। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, एसीबी की टीम आ चुकी है आरोपियों को लेकर। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन है संजय, वो आपको दिखा रहे हैं कि एसीबी के जो अधिकारी हैं जिनका नाम रघुवीर शरण है सीआई, वो यहाँ पर आ चुके हैं। और जो ये पूरी जो कार्रवाई है जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर अंजाम दिया, देख सकते हैं एसीबी की टीम को, ये आरोपियों को लेकर यहाँ पर आ चुकी है, इनसे पूछताछ कर रही है। और पूछताछ के बाद और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। इनको जो रंगे हाथों है वो एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल यह पूरी कार्रवाई के बाद में और भी कई, ये देखिए आरोपी की तस्वीर, जो व्हाइट सफ़ेद शर्ट के अंदर जो आरोपी है जिसका नाम मुकेश मीणा है, उसको एसीबी ने गिरफ्तार किया है 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए। हमारे साथ एसीबी के जो सीआई हैं रघुवीर शरण जी। सर, किस तरह से आपने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्या सूचना मिली थी? मुख्यालय पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि परिवादी के सफाई के बिल पेंडिंग है,
बांदीकुई में 2019 के, तो सीएचआई जो है बिल को पास करने के एवज में पैसे की मांग रहे हैं, इस पर सत्यापन करवाया गया, आज इन्हें गिरफ्तार किया गया है, रिश्वत राशि 40,000 रुपये लेते हैं। देखिए फिलहाल 40,000 रुपये घूस लेते हुए एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आरोपी को पकड़कर एसीबी की टीम है वो एसीबी मुख्यालय ले आई है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी, पूछताछ के बाद और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। कार्रवाई एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं बजरंग सिंह शेखावत, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और आरोपी को पकड़कर जिस तरह से आप देख रहे हैं एसीबी की टीम जो एसीबी मुख्यालय लेके आई है, और कोई बिल थे और उन बिलों को पास कराने के एवज में ये पहले भी घूस की राशि है वो ले चुका था, तो उसके बाद आज एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई का वेरिफिकेशन कराया है, उसके बाद में इस पूरी कार्रवाई को एसीबी की टीम ने अंजाम दिया है और एसीबी के जो अधिकारी हैं अब इनसे पूछताछ करेंगे और पूछताछ के बाद में हो सकता है जो आरोपी है उसकी रिमांड ली जाए और रिमांड के बाद में इससे बारीकी से पूछताछ की जाए। और मेरे सहयोगी जिस तरह से आपको सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर दिखा रहे हैं कि आरोपी हैं उनसे के उसको एसीबी मुख्यालय अभी लेके आया गया है और उसके बाद ही अब एसीबी की टीम इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। और हम कुछ ही देर में एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं बजरंग सिंह शेखावत उनसे भी बात करेंगे और बात करने के बाद हम ये भी इनसे पूछेंगे कि ये पूरा खेल है ये कब से चल रहा था और इस पूरे खेल के अंदर कौन कौन शामिल है। देखिए एक कमरा है एसीबी का, वहाँ पर एसीबी की टीम पहुँच चुकी है आरोपी को लेकर। अब इस कमरे के अंदर एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद और भी कई बड़े जो खुलासे हैं होने की उम्मीद है। और इनके जो एक घर है, आपको बता दूँ इनका एक घर है, वहाँ पर भी एसीबी की टीम पहुँच चुकी है, घर की सर्च कर रही है, घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। जी श्वेता, नवीन बिल्कुल, अभी कहाँ से गिरफ्त में लिया गया, ये रिश्वत कहाँ पर किस जगह पर ले रहे थे, अभी तो लेकर आया गया इन्हें पूछताछ के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि घर में भी कार्रवाई जारी है, तो क्या इनके घर में भी फिलहाल जांच की जा रही है? दूसरी अहम बात कि साथियों की भी बात कही जा रही थी, तो क्या ये साफ हो पाया है कि ये अकेले ही थे जो सीधे डील करते थे या कोई और भी है बीच में? देखिए इस पूरे मामले के अंदर और भी लोगों की भूमिका संदिग्ध है और ये पूरी कार्रवाई एसीबी की टीम ने जो जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है वहाँ पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और हम बात करेंगे जो एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं बजरंग सिंह शेखावत, जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, हम इनसे बात करते हैं कि सर आपको सूचना क्या मिली थी और किस सूचना के आधार पर आपने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है? एसीबी मुख्यालय को ये सूचना मिली थी कि परिवादी का साफ सफाई का ठेका था बांदीकुई रेलवे स्टेशन पे, और उसका जो उससे संबंधित बिल था पिछले कई दिनों से पेंडिंग था और उस बिल को पास करने के एवज में उससे रिश्वत की मांग की जा रही थी। हमारे को शिकायत आने पे हमारे द्वारा वेरिफिकेशन करवाया गया, हमने बांदीकुई रेलवे स्टेशन पे जो चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर थे विकास, उससे रिलेटेड जो इंस्पेक्टर रहे थे विकास मीणा, उनसे वेरिफिकेशन करवाया गया, और भी इससे जुड़े हुए लोग थे जिनका हमारे द्वारा वेरिफिकेशन करवाया है। और आज हमारी टीम द्वारा चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर जो कि सीकर के अंदर पोस्टेड है, उनको हमने आज रेलवे स्टेशन जयपुर के ऊपर मुख्य रेलवे स्टेशन पे 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए डिटेन किया है। सर इस पूरे मामले में और किस किस की भूमिका संदिग्ध है? इसके अंदर एक दो इंस्पेक्टर और हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध है और हो सकता है और भी कोई कार्यालय से जुड़े हुए लोग बाग अगर इसमें उनकी भूमिका पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितने के बिल थे और जो घूस की राशि वो कितने में तय हुई थी? इनके अलग अलग बिल थे, कोई लगभग 2-3 लाख रुपये के बिल थे और रिश्वत की राशि ये 50,000 की डिमांड थी और आज हमने 40,000 रिश्वत लेते हुए इनको डिटेन किया। सर इनके ठिकानों पर भी ऐसी भी कार्रवाई चल रही है? हाँ, ये हम इनके जो निवास वगैरह है उन पे भी और जो इससे रिलेटेड जो भी जगह है उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए फिलहाल एसीबी की टीम को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए आज एक घूसखोर जिसका नाम विकास मीणा है उसको गिरफ्तार किया है। ये इंस्पेक्टर है रेलवे के अंदर और उसको एसीबी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा एक बार और वो आरोपी की तस्वीरें दिखाएँ जिसको एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है और
गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम है जो आरोपी को पकड़कर एसीबी मुख्यालय लेके आई है। इस कमरे के अंदर फिलहाल अब जो एसीबी का लिखा पड़ा जो फर्द का कार्य होता है वो एसीबी की टीम यहाँ पर कर रही है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ये पूरी कार्रवाई एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं बजरंग सिंह शेखावत और सीआई रघुवीर शरण, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। और लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, उसी क्रम में एसीबी के डीजी हेमंत प्रियदर्शी, आईजी सवाई सिंह गोदारा, डीआईजी रणधीर सिंह, कालूराम रावत सहित तमाम अधिकारी हैं वो और उनकी टीम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मैंडेट को पूरा करने में लगी हुई है। चाहे केंद्र का कर्मचारी हो चाहे वो राजस्थान सरकार से जुड़ा हुआ कर्मचारी हो, अब एसीबी की टीम किसी भी रिश्वतखोर को बकसने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि इस तरह से यहाँ पर एसीबी की टीम कमरे में आ चुकी है और यहाँ पर अब जो फर्द का कार्य होता है वो एसीबी की टीम यहाँ पर कर रही है और पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। और आपको बता दूं पहले भी ये घूस की राशि ले चुका था जिस पर एसीबी की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और हम कुछ ही देर बाद जो परिवादी है जो मैनेजर था जिससे ये पूरी घूस की डिमांड की गई थी हम उससे भी बात करेंगे। और आप बताइए कि किस तरह से ये पूरा खेल चल रहा है? नहीं, ये खेल ऐसे चल रहा है, ये रिश्वत का खेल चल रहा था शुरू से ही। बिना पैसे लिए दिए ये काम करते ही नहीं थे, चाहे इनको जाते चाहे जयपुर से वो बरेली गाड़ी से जाना, 2 बजे आना और परेशान करके रख दिया। मुँह से खोलते नहीं, जाते ही मोबाइल बंद करवा के रख देते थे हमारे। मेरी कंपनी एक तो महाकाल, एक है श्री कनक कार्गो, एक है श्री बालाजी, एक इंसाफ एंड कंपनी, जो टेप हुआ इंसाफ एंड कंपनी के नाम से टेप हुआ है। और इन्होंने 7 महीने में नाक में दम करके रख दिया। कम 500 रेलवे के टिकट है हमारे। और देखिए लगातार जिस तरह से परिवादी कह रहा है कि ये खेल लंबे समय से चल रहा था, इस पूरे मामले में और भी कई लोगों की भूमिका है, वो संदिग्ध है। 2 इंस्पेक्टर हैं, उनके भी नाम बताए जा रहे हैं। फिलहाल अभी एसीबी ने 1 इंस्पेक्टर को ही गिरफ्तार किया है और इसके बाद में अब एसीबी अब कड़ी से कड़ी जोड़ेगी और उनका भी जो हम इसी भी सूत्र में बता रहे हैं उनका भी एसीबी ने वेरिफिकेशन कर लिया है और उसके बाद में आज इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। श्वेता नवीन, बिल्कुल अभी एसीबी एसपी से आप बातचीत कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि इनके साथी इंस्पेक्टर भी हैं, यानी ये तय है कि तस्वीर साफ है कि इनके साथ और कौन लोग हैं, बस उन पर ही अब कार्रवाई करना शेष है। जी देखिए, अब हमसे भी सूत्र हमें जो ये भी बता रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनके घरों पर एसीबी की टीम पहुंच चुकी है, लेकिन फिलहाल वो भी वहां पर नहीं मिले हैं। उनके घरों पर पहुंची है और उनसे हो सकता है देर रात तक एसीबी की टीम इस पूरे प्रकरण के अंदर 1-2 लोगों को भी और गिरफ्तारी कर ले। लेकिन ये आज एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और रेलवे के अंदर जो चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर है उसको एसीबी ने गिरफ्तार किया है। ये खेल था, लंबे समय से चल रहा था और लगातार एसीबी के पास सूचनाएं मिल रही थी और उन सूचनाओं के आधार पर आज एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई। विकास मीणा को एसीबी कार्यालय लेकर आया गया है, पूछताछ की जाएगी, वो नाम भी सामने आ जाएंगे जैसा कहा जा रहा है कि साथ ही इंस्पेक्टर भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं ताकि और भी अहम खुलासे इस मामले को लेकर हो सके। नवीन, अब नजर में आकर